अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बस ये इफ्तारी में मैंने बनाया थे सिंगापुरियन राइस और फ्रूट चाट। आज हमने बस सिंपल इससे इफ्तारी की, उसके बाद इफ्तारी से फारिग होके ये मैं काफ़ी सारी बच्चों की चीज़ें लेके आई थी, कैंडीज़, जेलीज़ और चॉकलेट। तो ये मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे उमान में सेलिब्रेट करते हैं करकर शो, आई थिंक सो, मैं नाम सही ले रही हूँ गलत ले रही हूँ आई डोंट नो। तो ना इसमें बेसिकली होता क्या है कि 15 रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में ना बच्चों में ये ऐसे पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और बच्चों को ट्रेडिशनल ओमानी ड्रेसेस बनाए जाते हैं। काफ़ी गहमा गहमी होती है, इसका एक सॉन्ग भी है ट्रेडिशनल, वो लगाए जाते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, एक तरह से कह लें बच्चों की ईद, ईद से पहले ईद हो जाती है। बस जी फिर मैंने सोचा मैं भी जल्दी जल्दी बनाती हूँ। ये मैंने 2 कलर्स में पाउच किए थे, एक ब्राउन कलर में और एक वाइट कलर में। बाकी ये जो चॉकलेट जेलीज़ वगैरह ये मैंने अपने हस्बैंड से जब वो पाकिस्तान गए थे वहाँ से मंगाई थी, बाकी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से ले ली थी। तो इसी तरह ये देखिए ये वाइट कलर वाला है, तो मुझे बहुत क्यूट लगे थे ये पाउच, तो मैंने इस वजह से ये वाले लिए। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? आप तो ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, पाकिस्तान में तो आजकल बाज़ारों में बहुत रश होना है। तो हम यहाँ पे ओमान में रहने वाले, हम पहले से ही कपड़े पाकिस्तान से मंगवा के रख लेते हैं और वो फिर पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कपड़े इतने कोई अच्छे ब्रांड्स हैं नहीं। एक है जे डॉट, वो भी पता नहीं अब है कि बंद हो गया, आई डोंट नो, मैं कभी गई नहीं, और उस पर भी कोई इतनी अच्छी वैरायटी नहीं होती है। देखें जी मैंने सारे पाउचेस तैयार कर लिए थे, 12 थे वाइट और 12 थे वो ब्राउन, 24 तैयार हुए थे टोटल। चीज़ें बच गई थी लेकिन मेरे पास पाउचेस ख़त्म हो गए। ये देखें जी ये मैं लेके आई थी, मैंने कहा मैं अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पे ओमान में जो फ्रेंड्स बनी हैं उनको गिफ्ट दूँगी, तो ये मैंने ये प्लेट ली, सर्विंग प्लेट, तो ये मैंने बस पैक की और इसके ऊपर मैंने अपनी तरफ से बोशो लगाई। ये देखें जी अनाया को भी आया क्रिकेट शो का गिफ्ट, ये राफे के कुलीग्स हैं ऑफिस में, उन्होंने अनाया के लिए, उन्होंने अपने घरों में सेलिब्रेट किया था तो वो अनाया के लिए उन्होंने भेजा है। बस जी फिर आज मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ जाना था ईद गिफ्ट लेने, तो मैं उसको फ़ोन पहले से कर चुकी थी। ये देखें बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो उसने आगे तक तकल्लुफ़ किया हुआ था, पिज़्ज़ा मंगाया हुआ था। जब भी मैं इफ्तारी करके गई थी फिर भी मैंने पिज़्ज़ा खा लिया, पता है ना मुझे पसंद है। चलें जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।